हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका मेंटर अरविंद आर्य आसान फिजिक्स में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, कि एक चतुर्थांश नियम में हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, त्रिकोणमिति मान को ज्ञात कर सकते हैं। हमने बताया था आपको कि अगर आपको 0 डिग्री से लेके और 90 डिग्री तक की सारी वैल्यूज याद हैं तो फिजिक्स में हम इसके आगे की भी बात करते हैं। जैसे आपको 90 के बाद 120 चाहिए, 135 चाहिए, 150 चाहिए, 270 चाहिए, 300 चाहिए, ठीक है, या साइन 300, कॉस 300, टेन 300, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो जब आप ये वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि हमने पहले 0 से 90 तक याद किया फिर उसके और आगे याद करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको चतुर्थांश नियम पढ़ाया था, क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ाया था। क्वाड्रेंट सिस्टम में अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो हम ऐसा देख सकते हैं कि 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक की अगर आपको वैल्यूज याद हैं तो फिर आप कोई भी जनरल वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं या किसी भी त्रिकोणमिति मान को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपको कोई भी वैल्यू अच्छे से आती है तो हम कोई भी त्रिकोणमिति मान को अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं, ऐसा हमने पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, उसी में कुछ और आगे अच्छे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और आपको चतुर्थांश नियम का एप्लीकेशन बताएंगे, उसका अनुप्रयोग बताएंगे कि व्यवहारिक रूप से अनुप्रयोग होता कैसे है। उस दिन हमने क्या पढ़ा था, केवल फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था कि फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं या फॉर्मूले का फॉर्मेशन होता कैसे है। ठीक है ना, आज हम क्या पढ़ेंगे कि फॉर्मूले के फॉर्मेशन के बाद अगर आपको कोई वैल्यू ज्ञात करनी पड़ जाए या कोई मान ज्ञात करने पड़ जाए तो उन मानों को हम ज्ञात कैसे कर सकते हैं या वो मान कैसे निकाल सकते हैं, आप कोई भी वैल्यू आपको दी जाए तो फिजिक्स आपके कॉन्सेप्ट आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सारी चीजें बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं। और आप कोई भी वीडियो लेक्चर को मिस मत कीजिए, आप कंटिन्यूटी में, अगर एक बार में थोड़ा सा कम समझ में आता है, प्रॉब्लम आती है, जैसे बच्चे फिजिकली और ऑनलाइन में थोड़ा समस्या आती है क्योंकि आपको पहली बार जूझना पड़ रहा है ना, तो आप क्या करें कि इस लेक्चर को 2 बार देखें, मेरी श्योर गारंटी है कि आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, तो फटाफट चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए हमने स्टार्ट किया आज का सेशन, पहला क्वेश्चन देखते हैं आपको क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आपको क्या करना है, साइन -30 डिग्री की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बतानी है। तो एक क्या करनी है, साइन -30 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और दूसरा क्या है आपको, कॉस -60 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और एक और थर्ड दिया मैंने आपको क्या करना है, टेन -45 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये 3 वैल्यूज मैंने दी हैं जिनके आपको मान ज्ञात करने हैं। जिन बच्चों ने वो लेक्चर अच्छे से देखा होगा वो वीडियो को पॉज करें और इन मान को ज्ञात कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करें और ये वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो पहली वैल्यू को कैलकुलेट करना है आपको, पहली वैल्यू क्या है, साइन क्या है, साइन -30 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अच्छा तो आपने अगर फॉर्मूला इसको अच्छे से देखा पिछला लेक्चर तो इसमें एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन माइनस थीटा, क्या फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा जो है वो होता है आपका माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो आपने क्या लिखा, साइन माइनस 30 डिग्री लिखा, साइन माइनस 30 लिखा तो माइनस साइन 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस साइन 30, साइन माइनस 30 डिग्री क्या होता है, माइनस साइन 30 होता है, याद रखें ये फॉर्मूला, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो साइन माइनस 30 क्या होता है, माइनस साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए तो -1/2, क्या वैल्यू होगी, -1/2, इसका मतलब साइन माइनस 30 की वैल्यू क्या है, -1/2 है, साइन माइनस 30 की वैल्यू क्या है, -1/2 है। अच्छा अब हम आते हैं दूसरी वैल्यू पर, ध्यान दें सेकंड वैल्यू क्या है, कॉस माइनस 30, सेकंड वैल्यू है आपकी कॉस माइनस सॉरी 60, कॉस माइनस 60 की वैल्यू चाहिए। तो फिर से हम फॉर्मूला देखते हैं, आपने याद किया होगा, रिकॉल करें फॉर्मूला को, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, कॉस माइनस 60,
क्या cos माइनस 60 क्या होगा माइनस सॉरी cos माइनस 60 क्या हो जाएगा cos 60 हो जाएगा। cos माइनस 60 क्या होता है cos 60 होता है। अच्छा अब cos 60 की वैल्यू याद करें जरा, cos 60 की वैल्यू याद करें कितना होता है, cos 60 की वैल्यू 1/2। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। बात समझ में आ रही है, ये साइन माइनस 30 की, ये cos माइनस 60 की। अब देखते हैं एक और वैल्यू, एक और वैल्यू को देखें तो हमने क्या लिखा, थर्ड क्वेश्चन देखा, थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा tan, क्या लिखा tan माइनस 45, किसकी वैल्यू चाहिए आपको tan माइनस 45 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अगर आप tan माइनस 45 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो याद करें, वीडियो को पॉज करें और फटाफट सभी बच्चे इसका क्वेश्चन को आंसर को सॉल्व करें। तो अगर हम बात करें कि tan माइनस थीटा क्या होता है, tan माइनस थीटा, tan माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा, tan माइनस थीटा होता है बेटा माइनस tan थीटा, क्या होता है बच्चों माइनस tan थीटा। तो tan माइनस 45 की वैल्यू चाहिए आपको, tan माइनस 45 डिग्री की वैल्यू चाहिए आपको, तो क्या जाएगा माइनस का tan 45, क्या जाएगा माइनस का tan 45, और tan 45 कितना होता है 1, तो ये माइनस 1 आ जाएगा। मैं फिर से एक बार समझाता हूं, आपको चाहिए था sin माइनस 60, cos माइनस 60, tan माइनस 45। पहली बात कर रहे हैं sin माइनस 60 की, sin माइनस 60 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि sin माइनस थीटा क्या होता है माइनस sin थीटा, sin माइनस थीटा क्या होता है माइनस sin थीटा, तो sin माइनस 30 क्या हो जाएगा माइनस sin 30, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो sin माइनस 30 क्या आ जाएगा माइनस 1/2। बात समझ में आई। दूसरा देखो cos माइनस 60, cos माइनस 60 है तो cos माइनस थीटा क्या होता है cos माइनस थीटा, cos थीटा, तो cos माइनस 60 क्या हो जाएगा cos 60 हो जाएगा, cos माइनस 60 क्या है cos 60 है, और cos 60 भी क्या होता है 1/2। अगली बात करें तो tan माइनस का 45, और tan माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा, तो tan माइनस 45 माइनस tan 45 हो जाएगा, और tan 45 कितना होता है 1, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, है ना। तो ये बिल्कुल बेसिक बेसिक से तीन क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, इसी प्रकार से आप इनमें से कोई भी वैल्यू को सॉल्व करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें आप कहेंगे चतुर्थांश नियम का तो यूज कहां किया, तो ये हमने बेसिक फॉर्मूले बताए थे, इन बेसिक फॉर्मूले की हेल्प से हमने इनको सॉल्व किया है। अब हम बात करते हैं जो क्वाड्रेंट सिस्टम के हेल्प से ही सॉल्व हों, केवल चतुर्थांश नियम की सहायता से ही जिसको हल किया जा सकता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, मैं एक बार आपको रिकॉल करवा दूं, चतुर्थांश नियम क्वाड्रेंट सिस्टम जो है वो आपको एक बार रिकॉल करवाता हूं कि क्वाड्रेंट सिस्टम या चतुर्थांश नियम होता क्या है। तो देखिए जब हम उसको रिकॉल करते हैं, क्वाड्रेंट सिस्टम को या चतुर्थांश नियम को रिकॉल करते हैं कि क्या होगा ये, तो ध्यान दीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक क्वाड्रेंट सिस्टम बनाया, ठीक है, और ये आपका क्वाड्रेंट सिस्टम होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये चार चतुर्थांश होते हैं। आपको याद होगा इसमें हमने लिखा था 90 माइनस थीटा, इसमें आपने क्या लिखा था 90 प्लस थीटा, ठीक है, इधर क्या लिखा था फिर 90 प्लस थीटा के बाद 180 डिग्री माइनस थीटा, इधर क्या लिखा था आपने 180 डिग्री प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, ठीक है ना। इसके आगे जाएंगे तो ये क्या आएगा 270 प्लस थीटा और क्या आएगा 360 माइनस थीटा, वापस से इसमें चले जाएंगे तो 360 डिग्री प्लस थीटा। ये आपने चार चतुर्थांश पढ़े थे, ये इनके एंगल हैं, कोण हैं उनके, अच्छे से आपने याद किए होंगे, है ना। अब हम बात करें तो आपने पढ़ा था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है पहला चतुर्थांश है, तो आफ्टर स्कूल से कहां जाते हैं अपन टू, कहां जाते हैं कॉलेज, तो आप हमने ट्रिक बताई थी आपको इसको पढ़ने की, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है ऑल पॉजिटिव, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक, ऑल पॉजिटिव सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक। एस का मतलब साइन, एस का मतलब क्या साइन, और इसका उल्टा कोसेक,
साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी के चार जो बच गए सेक कोस टेन कोट वो नेगेटिव। तीसरे की बात करें तो टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी चार नेगेटिव। इसकी बात करें तो कोस और इसका अपोजिट सेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। ये हमने पढ़ा था क्वाड्रेंट सिस्टम में, या आपने किस में पढ़ा था, चतुर्थांश के नियम में पढ़ा था। किस में पढ़ा था, चतुर्थांश नियम में पढ़ा था। अच्छा, अब ये चतुर्थांश नियम का उपयोग करते हुए, ये जो चतुर्थांश नियम आपने पढ़ा है इसका उपयोग करते हुए हमको कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फर्स्ट आपने ये रिकॉल करवाया, मैंने आपने ये पढ़ा था पहले, ठीक है ना, दूसरा लेक्चर जो था आपने उसमें देखा था कि ये चतुर्थांश नियम होता क्या है। अब आप देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, हमको वैल्यू चाहिए साइन 120 डिग्री की। इसकी वैल्यू चाहिए साइन 120, बड़ी इंपोर्टेंट वैल्यू साइन 120, कोस 120। कोस 120 तो बिल्कुल याद रखिए आप, इतनी बार आएगा आपको। तो साइन 120 को सॉल्व करना है, तो हमने क्या बताया था, इसको सॉल्व करने से पहले नियरेस्ट एंगल में तोड़ते हैं इसको, इसको निकटतम कोण में तोड़ लेते हैं, ठीक है। पहले मैंने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन लिखता हूं कॉस 120, थर्ड लिखता हूं टेन 150। ये आपको तीन क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, साइन 120, कॉस 120, टेन 150, ठीक है। अच्छा, साइन 120 है पहले, साइन 120 है तो आपको क्या करना है बच्चों, इसको नियरेस्ट एंगल में ब्रेक करना है, निकटतम कोण में तोड़ना है इसको, निकटतम कोण में। साइन 120 के आसपास का कोण कैसे, अब आपको 300 थोड़ी इसके पास में है, या 360 थोड़ी इसके पास में, आपको 270 भी पास में नहीं है इसके, बहुत दूर है वो। तो इसके निकटतम क्या है, नियरेस्ट क्या है, 90 है इसके पास में। देखो 120 लिखा है, इसके पास में 90 है, और कौन सा लिख सकते हो आप, 180 भी इसके पास है, 180 भी इसके पास है। ये क्या है, देखो 120 के निकटतम कोण लिखना है, नियरेस्ट एंगल लिखना है। नियरेस्ट में क्या है, एक तो 90 है पास में, कौन है 90 है, और कौन है पास में, 180 है। ये दोनों इसके निकटतम कोण है, इसके नियरेस्ट एंगल है, क्या है ये, नियरेस्ट एंगल है। तो हम बात करते हैं इसमें साइन 120 की। तो अगर आप पहले इसको सोल्व करें साइन 120 को, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन 120, साइन 120 के पास में हमने क्या बताया कौन है, 90 है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन 90। अब आप 90 में कितना ऐड करें 90 डिग्री में कि 120 हो जाए, 90 में कितना ऐड करें कि 120 हो जाए, तो हम अगर 30 ऐड कर देते हैं तो 120 बन जाएगा, 90 में अगर हम 30 ऐड करेंगे तो ये 120 बन जाएगा। बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, तो हमने इसको नियरेस्ट में ब्रेक कर लिया। फिर देखो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, क्या पढ़ा, साइन 90 प्लस थीटा। अब हमने बताया था जीरो को छोड़कर जो वैल्यू लिख रही है, जीरो को छोड़कर जो वैल्यू लिख रही है 9, जीरो को छोड़कर जो वैल्यू है वो क्या है 9। ये सम है कि विषम है, ये सम संख्या में है विषम संख्या में है, तो बेटा 9 विषम संख्या होती है। 90 नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखना, 90 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल 9 की बात कर रहा हूं, 9 की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, 9 की, इस 9 की बात कर रहा हूं। तो हमने पढ़ा 9 सम संख्या की विषम संख्या, जो 9 है वो सम संख्या होती है कि विषम संख्या, इवन होती है या ऑड होती है, तो आप कहोगे ऑड। और हमने बताया था जब भी जीरो को छोड़कर जो वैल्यू लिखी हो वो अगर ऑड लिखी है, वो विषम लिखी है, तो साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कोट में, कोट को टेन में, ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसे बदल देते हैं। तो ये लिखा साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है आपका फॉर्मूला, कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, याद रखना। आपने पिछला लेक्चर अगर अच्छे से देखा है तो आपको ये वैल्यू आनी चाहिए, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। और कॉस साइन 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा चतुर्थांश है, दूसरा, कौन सा है, दूसरा। और दूसरे चतुर्थांश में ये कॉस साइन कैसा होता है, पेरेंट एंगल क्या है यहाँ पे, पेरेंट एंगल क्या है यहाँ पे, साइन, पेरेंट एंगल क्या है यहाँ पे, साइन। तो ये कौन से चतुर्थांश में, दूसरे में, सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, इसका फॉर्मूले में क्या आएगा, पॉजिटिव, धनात्मक आएगा। अच्छा, तो हमने इसकी वैल्यू लिखी साइन 90 डिग्री प्लस 30,
साइन 90 प्लस 30। 90 प्लस 30 को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉस 30 लिख सकते हैं। साइन 90 प्लस 30 आपका क्या हो गया, कॉस 30 हो गया, कॉस 30 हो गया। अच्छा जी, कॉस 30 हो गया। कॉस 30 की वैल्यू बताएं जरा एक बार क्या होती है। कॉस 30 होता है आपका √3/2। कॉस 30 क्या होता है, √3/2। तो ये साइन 120 आ गया, साइन 120 आ गया। साइन 120 क्या होता है, √3/2। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज साइन 120 इक्वल टू, साइन 120 इक्वल टू √3/2। ठीक है, ऐसे हमको क्या करना है, ये वैल्यू को सॉल्व करना है। समझ आया? अच्छा, अब मैंने कहा था इसको नियरेस्ट में ब्रेक करना है, नियरेस्ट में निकटतम कोण में तोड़ना है। निकटतम कोण में तोड़ना है तो 120 के आसपास का कौन सा कोण है, 90 है, तो 90 प्लस 30। अब 90 प्लस 30 हो जाएगा तो हमने लिखा साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो साइन 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा, कॉस 30। कॉस 30 √3/2, तो ये वैल्यू है ना। अच्छा, अब अगर कोई बच्चा ऐसे भी सोच सकता है कि सर आपने कहा था कि नियरेस्ट एंगल में ब्रेक करना है, निकटतम मान में तोड़ना है, इसको नियरेस्ट वैल्यू में ब्रेक करना है, तो मैं तो 180 भी तो इसके नियरेस्ट है, मैं तो 180 में तोड़ूंगा। तो अगर कोई बच्चा ऐसे सोचे कि मैं इसको 180 में ब्रेक करूंगा, तो 180 में भी तो ब्रेक कर सकता हूं मैं सर, बिल्कुल कर सकते हो आप, बिल्कुल सही है। तो आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 60। ठीक है, साइन 180 माइनस 60। जब आप 180 माइनस 60 करेंगे तो ये 120 आएगा, 180 माइनस 60 करेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा। अब आप ध्यान दें, जीरो को छोड़कर जो वैल्यू लिख रही है वो विषम है कि सम है, जीरो को छोड़कर जो वैल्यू लिख रही है वो विषम है कि सम है, सम है, वो वैल्यू सम है। और जब सम संख्या होती है इवन है कि ऑड है, तो इवन है। और जीरो को छोड़कर जो वैल्यू लिख रही है अगर वो इवन है, कैसी है, इवन है, तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या करते हैं अपन, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो साइन 180 माइनस थीटा को आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि चतुर्थांश कौन सा है, दूसरा है, और दूसरे में साइन कैसा होता है, ये साइन कैसा होता है, पेरेंट एंगल से देखते हैं, हमेशा बताया था मैंने, इस पेरेंट एंगल से देखते हैं तो साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अच्छा, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो साइन 180 माइनस 60 क्या हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू आपको पता होती है √3/2। तो अगर आप इससे भी सॉल्व करें तो भी वैल्यू सेम है, और उससे भी सॉल्व करें तो भी वैल्यू सेम है। तो ऐसी समस्या वाली कोई बात नहीं है, है ना, हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। समझ आया? अच्छा, अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अब हम बात करते हैं इसमें सेकंड क्वेश्चन। आपको ये सब लिखते जाना है कॉपियों में। आप कैसे कर रहे हैं, वीडियो को बीच बीच में पॉज करते जाएं, वीडियो को पॉज करने के बाद आप लिख सकते हैं ये सारी। ठीक है, आप जो भी है नोट्स आपको है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के, तो आपको नोट्स इसके प्रोवाइड नहीं हो पाएंगे, या मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं तो आप इसके क्या नोट्स लेंगे। तो साथ में आप लिखते भी जाएं। अब जैसे हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, कॉस 120 की वैल्यू चाहिए। ये तो फटाफट, ठीक है कमांडोस, इसको सॉल्व करके बताएं, फटाफट सॉल्व करें। ठीक है, सारे कमांडोस इसको सॉल्व करेंगे, कमांडोस का मतलब मेरे कमांडोस, सारे बच्चों से कह रहा हूं। तो आपको ये क्या करना है, सॉल्व करके बताना है। ठीक है, आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो कॉस 120, तो आपने जैसे हमने पुराना सॉल्व किया था, आपको इसको सॉल्व करना और आंसर बताना है। फटाफट वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें ये। ठीक है, अच्छा वैल्यू आई आपकी, हम सॉल्व करके देखते हैं। आपको बताया था इसको नियरेस्ट एंगल में ब्रेक करना है, निकटतम कोण में तोड़ना है, इसको किस में तोड़ना है, निकटतम कोण में तोड़ना है। निकटतम में तोड़ना है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, कॉस 90 प्लस 30। क्या लिख सकते हो, कॉस 90 प्लस 30। कॉस 90 प्लस 30 लिख सकते हैं 120 को, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। आपने लिखा कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखा, कॉस 90 प्लस थीटा। और आपने अगर कॉस 90 प्लस थीटा लिखा तो जीरो को छोड़कर जो संख्या लिख रही है वो कैसे है, विषम है। कैसी संख्या है, विषम है। और जब संख्या विषम हो तो हम इसको क्या करते हैं,
परिवर्तित कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? इसको कन्वर्ट कर देते हैं। और जब अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो cos 90 प्लस थीटा क्या होगा? cos 90 प्लस थीटा जीरो को छोड़कर विषम है, तो cos 90 प्लस थीटा क्या होगा आपके पास? sin थीटा होगा। क्या होगा? sin थीटा। ये तो हो गई कन्वर्ट करने वाली बात, फॉर्मूले को चेक करने वाली बात या फॉर्मूला बदलने वाली बात। ठीक है, फॉर्मूला आपने कन्वर्ट कर दिया। क्या बताया था आपको? जीरो को छोड़कर जो नंबर है वो अगर आपका इवन नंबर है या ऑड नंबर है उसके हिसाब से हम कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे जीरो को छोड़ दें तो नाइन कैसा नंबर है आपके पास में? नाइन कैसा नंबर है आपके पास में? ऑड नंबर है, इसलिए कॉस किस में बदल जाएगा? साइन में। फिर मैंने बताया था चिन्ह की बात करेंगे तो वो चतुर्थांश के अनुसार लिखेंगे चिन्ह। ठीक है, किसके अनुसार लिखेंगे? चतुर्थांश के अनुसार लिखेंगे। तो यहाँ पे 90 प्लस थीटा पे आपको कौन सा चतुर्थांश नजर आ रहा है? 90 प्लस थीटा पे आपका कौन सा चतुर्थांश है? दूसरा। 90 प्लस थीटा पे दूसरा है, तो हमने बताया था कि दूसरे में कौन पॉजिटिव होता है? साइन पॉजिटिव होता है। यहाँ पे पेरेंट एंगल आपका कौन है? कॉस है। पेरेंट एंगल कौन है? कॉस है। और अगर पेरेंट एंगल आपका कॉस है तो ये क्या हो जाएगा? कॉस है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। फिर से ध्यान दें फिर से, दूसरे चतुर्थांश में साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेक, इसका व्युत्क्रम कोसेक, ये दोनों कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ये दोनों कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। और बाकी की जो वैल्यू है वो कैसी होती है? नेगेटिव होती है। तो आपने कॉस 120 लिखा, कॉस 120 को नियरेस्ट एंगल में ब्रेक करेंगे तो कॉस 90 प्लस 30 हो जाएगा। अच्छा, तो cos 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। क्यों? क्योंकि जीरो को छोड़कर ये 9 कैसा है? विषम है। तो विषम है तो cos 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। अब इसमें cos 90 प्लस थीटा ये दूसरा चतुर्थांश है और दूसरे चतुर्थांश में पेरेंट एंगल ये है आपका, ये पेरेंट एंगल में cos आ रहा है। पेरेंट एंगल में कौन आ रहा है? cos। और 90 प्लस थीटा देखो यही तो है, ये 90 प्लस थीटा। तो कोस है तो कोस इसमें क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। इससे नहीं देखना, कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा इस वैल्यू से देखते हैं। तो कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है ना, क्योंकि वैसे भी सिंपली अगर आप लिखो तो कोस 90 प्लस थीटा साइन थीटा, अब दूसरे चतुर्थांश में कोस नेगेटिव तो इसलिए माइनस। अब देखो पहले तो हमने लिखा कोस 90 प्लस 30, cos 90 प्लस 30 को आप क्या लिखोगे? माइनस साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। आंसर खत्म, बात हो गई, ये आंसर आ गया आपका। बात समझ आई? अच्छा जी, अब देखते हैं हम अगली वैल्यू को। इसी में अगर कोई बच्चा चाहे कि नहीं हम तो सर इसको 180 वाले से सॉल्व करना चाहते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 180 से सॉल्व करें इसको। आप नियरेस्ट एंगल 180 में ब्रेक करें इसको, ठीक है ना। अगर आप 180 में 180 में तोड़ेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? cos 180 माइनस 60। 180 में से आप 60 घटाओ, 120 आएगा बिल्कुल। तब आपको फॉर्मूला किसका चाहिए? cos 180 डिग्री माइनस थीटा। किसका चाहिए? cos 180 माइनस थीटा। और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? देखो जीरो को छोड़कर जो नंबर है वो कैसा है? सम है। कैसा नंबर है वो? सम संख्या है। कैसा है? सम संख्या है। जीरो को छोड़कर कैसी संख्या है? सम संख्या है। और सम संख्या है तो हम इसको क्या लिखेंगे? cos थीटा ही लिखेंगे। मैंने को बताया था अगर सम संख्या लिखी हो 18 तो कैसी होती है? सम संख्या होती है। तो 180 माइनस थीटा चतुर्थांश कौन सा है? दूसरा है। 180 माइनस थीटा कौन सा है? दूसरा है। कौन सा चतुर्थांश है आपके पास में? दूसरा चतुर्थांश है। cos 180 माइनस थीटा में cos थीटा बन गया ये फॉर्मूला। तो दूसरे में cos कैसा होना चाहिए? पेरेंट एंगल ये इससे ही देखेंगे, तो दूसरे में cos कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। तो माइनस, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे लिखा cos 180 डिग्री माइनस 60, तो क्या हो जाएगा? माइनस का cos 60, और cos 60 क्या होता है? 1/2, तो माइनस का 1/2 वैल्यू आ गई। ऐसे सिंपली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और देखें हम नेक्स्ट, ये थर्ड वाला, tan 150 की वैल्यू चाहिए आपको।
तो देखो 10150 की थर्ड क्वेश्चन जो है आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है इसमें 10150। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं हम 10150। तो हमने थर्ड वैल्यू लिखा 10150, तो 10150 में भी आप इसको नियरेस्ट एंगल में ब्रेक करो तो 150 के आसपास क्या है, एक तो 90 है, एक 180 है, एक तो 90 है और एक 180 है। तो मैंने लिखा इसको 10 90 प्लस 60। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे 10 90 प्लस 60 में हमने लिखा 10 90 डिग्री प्लस थीटा। तो 10 90 प्लस थीटा जीरो को छोड़कर बताया 9 कैसे है, विषम है, तो ये कॉट थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ये तो कन्वर्ट करने की बात हो गई, 90 प्लस का दूसरा चतुर्थांश है, दूसरे में 10 कैसा होगा, पेरेंट एंगल क्या है यहाँ पे, 10 10 कैसा होगा, नेगेटिव होगा, बिल्कुल सही बात है। अब आपने लिखा 10 90 प्लस 60, तो यह जाएगा माइनस का कॉट 60। क्या जाएगा, माइनस का कॉट 60। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू आपके पास होती है माइनस लगाए कॉस 60 होता है 1/√3। कॉस 60 क्या होता है, 1/√3। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। ऐसे सिंपली सॉल्व करना है। अगर कोई कहे नहीं सर हम तो इसको 180 में ही ब्रेक करेंगे, तो अगर कोई 180 में ब्रेक करना चाहे तो वो भी गलत नहीं है, वो ऐसा भी कर सकता है कि वो किस में ब्रेक करे इसको, 180 डिग्री में। तो हमने इसको क्या किया, 180 डिग्री में ब्रेक किया। जब आप इसको 180 डिग्री में ब्रेक करेंगे तो हमने लिखा 10 180 कितना घटाएं, -30। तो आपने लिखा क्या, 10 180 डिग्री माइनस थीटा। 10 180 माइनस थीटा क्या होता है, देखो जीरो को छोड़कर सम संख्या, तो 10 थीटा क्या होगा, 10 थीटा। 180 माइनस थीटा पेरेंट एंगल क्या है, 10 है। 180 माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश है, दूसरा है, तो दूसरे में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या होगी ये वैल्यू दूसरे में, नेगेटिव हो जाएगी। ये तो हमने कन्वर्ट कर दिया, चिन्ह किसके हिसाब से लेते हैं, चतुर्थांश के हिसाब से लेते हैं, तो ये नेगेटिव हो गया। अच्छा, तो आपने लिखा 10 180 डिग्री माइनस 30, तो आपने इसको क्या लिखा, -10 30, और 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ऐसे हमने ये कुछ क्वेश्चंस देखे जिनको हमने देखा कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको सॉल्व करने हैं, इनको अच्छे से पढ़ना है, और कुछ और क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं आपको जो आपको सॉल्व करना है होमवर्क में। ठीक है, सारे बच्चे होमवर्क क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे अच्छे से। होमवर्क क्वेश्चनों को अगर आप सॉल्व करें तो देखिए होमवर्क क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, ध्यान दें। पहला क्वेश्चन दिया ये मैंने लिखा साइन, ठीक है, आपने 150 इसको सॉल्व करना है। दूसरा कॉस, ठीक है, कॉस कितना, 210। ठीक है, तीसरा आपके पास क्वेश्चन है 10 कितना, 270। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ कॉस 300, और एक और फिफ्थ क्वेश्चन आपको देता हूं मैं, वो क्या है, क्या है आपके पास, साइन, ठीक है, टू साइन 4 ऐसा लिखो, साइन 360। ये पांच क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है होमवर्क में है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा। पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, ज्यादा से ज्यादा अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट सारे समझ में आएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।